शनिवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर हुए 37,776, वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या हुई 10,000 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल आंकड़े बढ़कर हुए 2,719, हो चुकी है 145 मौतें। लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करने वाले 3 दुकानों को 3 दिवस के लिए पुष्पराजगढ़ SDM विजय डेहरिया ने किया सील। वर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अयोध्या होटल संतोष गारमेंट को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 3 दिवस के लिए किया गया सील। सील की गई दुकानों के दुकानदारों ने नहीं लगाया था मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का करवाया जा रहा था पालन। जबलपुर के चांदनी चौक कंटेनमेंट जोन में आयुष औषधियों का घर घर जाकर वितरण कर रही आयुष विभाग की टीम। शहडोल कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के मार्गदर्शन में शहडोल जिला के जनपद गोपारू के विभिन्न आश्रम तथा छात्रावासों को किया गया सैनिटाइज। गुजरात के 31 व उत्तर प्रदेश के 39 मजदूर सकुशल पहुंचे अनूपपुर, मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से अनूपपुर की सीमा में आए 147 श्रमिकों को अनूपपुर प्रशासन ने भेजा गृह जिला। शहडोल में मोनिका बैगर तथा भरत सिंह की द्वितीय सैंपल रिपोर्ट आई नेगेटिव, जिला प्रशासन ने ली राहत की सांस। शहडोल जिले में 28 मार्च से अब तक अवैध मदिरा के 49 प्रकरण में की गई कार्यवाही, जिला आबकारी अधिकारी सुरेश रजौरे ने दी जानकारी। लॉकडाउन के चलते साइकिल चलाकर दिल्ली से बिहार जा रहे 32 वर्ष शख्स की हुई मौत। नासिक से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 347 मजदूर पहुंचे मध्य प्रदेश, सभी मजदूर स्वस्थ। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के अनुसार इस महीने दिल्ली में 2 गुना मिलेगा राशन।